हेलो गाइस, रॉक्सी की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। रॉक्सी रॉक्सी हेलो बोल दो। हेलो हेलो रॉक्सी, किसी को देख नहीं लगता। उधर उधर से कोई आ रहा है। कौन है रॉक्सी? रॉक्सी कौन है? कौन है? कूल रॉक्सी, कूल। आजा आजा आजा। नो नो, ये कोई इसको दिखा उधर, तो इसने अपनी प्रेजेंटिंग जाहिर करने के लिए बता दिया कि मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मत आना। क्यों रॉक्सी? गाइज, जो रॉक्सी के एक कोर्ट की रिकॉर्डिंग एक इशू है जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपके पास अगर ऐसा कोई पेट एनिमल है तो उसके पास अगर ऐसा कुछ इन्फेक्शन या कोर्ट की रिकॉर्डिंग कुछ इशू आते हैं तो आप इससे कहाँ सही इलाज कराएं और सही टाइम पे इसका इलाज करा सकें। ये आपको शायद हेल्प करेगा। रॉक्सी इधर देखो, रॉक्सी गाइज, शायद ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, इसके यहाँ पर एक दो तीन और एक सामने, दिखा दो रॉक्सी, ये चार। ये स्टार्टिंग फेज में, जब आज इसको 1.5 मंथ हो गए हैं इस कोट इशू को, 1.5 मंथ पहले से इसको छोटा सा एक निशान टाइप का ऐसा लगा था। हमको लगा कि कोई किसी के साथ खेलते समय दांत लग गया होगा, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता गया। इसका इलाज भी कराया मैंने कई जगह से, कुछ डॉक्टर्स के पास गए जिन्होंने इसको एक अंदाजा के रूप में दवा दे दिया और वो उसको हेल्प नहीं किया, उसको नहीं ठीक हुआ ये चीज़। तो हमें भी टेंशन होने लगी और ये धीरे धीरे बढ़ता गया है। पहला वहाँ ऊपर ये वाला हुआ, उसके बाद ये, उसके बाद इधर सब होने लगा। तो इसे इसको सीरियस लेते हुए हम यहाँ के BHU साउथ कैंपस, अगर आप जानते होंगे तो यहाँ उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर ज़िले में BHU साउथ कैंपस एक एग्रीकल्चर कॉलेज खुला हुआ है, जहाँ पर मेडिकल भी अच्छे तरीके से, गवर्नमेंट कॉलेज है, मेडिकल की सुविधा देखी जाती है, मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पे। तो वहाँ के वेट से हम मिले और उनको ये चीज़ दिखाए, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से इसका एक टेस्ट किया और बताया कि ये जो है ये एक फंगस इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन और डर्मोटाइटिस ऐसे कुछ बताए थे उन्होंने। तो और बताने के बाद उसमें दवा दिया, जैसे एक क्रीम था और एक लिक्विड था, जिसे हम 3 ml को 1 लीटर पानी में मिलाकर इस पर लगाना है। आज इसको 10 दिन लगभग हो चुके हैं, तो हम देख रहे हैं कि कुछ इसमें आता ही नहीं। वो बोले हैं कि 15 दिन के बाद फिर दिखाइएगा। तो पहले तो इसका फंगस ख़त्म होगा, उसके बाद ही इस पर बाल आएंगे। तो हम 15 दिन तक इलाज देखते हैं, उसके बाद फिर चेक कराते हैं क्या निकलता है। गाइस, अगर आपकी एनिमल को अगर कुछ भी कोर्ट की रिकॉर्डिंग अगर ऐसा कुछ दिखता है तो आप शुरू में ही सीरियस हो जाइए और उसको थोड़ा अच्छे डॉक्टर के पास दिखाइए, क्योंकि ये अगर ज़्यादा दिन तक रह गया तो फिर शायद वहाँ पे बाल ना आए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास प्रिस्क्राइब करिए, इसको दिखिए और इसका सही इलाज करिए। दूसरी चीज़, अगर आपके पास एक फीमेल डॉग है तो जाहिर सी बात है कि 7 महीने के बाद, 8 महीने के बाद जब भी उसका हीट आता है तो उसे परेशानी झेलनी पड़ती है थोड़ा सा। हालांकि ये नेचुरल प्रोसेस है, बट ऐसा हम लोग को जब उस ब्लड देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है कि ये मतलब इतना इसने खाया पिया उसके बाद फिर इस तरह से हो रहा है इसके साथ। और इसके साथ तो कुछ ज़्यादा दिन हो गया, हालांकि हमने सुना है कि डॉक्टर भी बोलते हैं कि मिनिमम 9 डेज या 10 डेज तक होता है, मैक्सिमम 25 डेज तक जाता है। तो मैक्सिमम 25 डेज तक जाना इसके हेल्थ पे इसको कुछ इफेक्ट करेगा। जैसे कि अगर इसका सिर्फ 9-10 दिन 11 दिन होता तो ठीक है, इसका 19 दिन तक चला पूरा, ब्लड निकलता गया सब। हम 2 बार डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब बताइए क्यों ऐसा हो रहा है, कि मतलब इतने दिन तक क्यों चल रहा है। हम भी जानते थे कि ये 10-12 दिन तक, 9 दिन तक ऐसे होता है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है सब। और उन्होंने कुछ अपना चेकअप भी किया कि हाँ सब नॉर्मल, उसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड कराना पड़ा, जो कि बहुत ही ख़राब लगा। इसका पूरा यहाँ पर बाल छीलना पड़ा था,
ये देखिए अभी तो कुछ बाल आ गए हैं, 10 दिन हो गया इसको भी। हमें डर लगने लगा कि कुछ ऐसा तो इंटरनल ब्लीडिंग को कोई इशू तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दिखा दो रॉक्सी, इधर अल्ट्रासाउंड भी कराना पड़ा था, जो कि बाल आ जाएगा अभी। तो हमें श्योर होना था इसलिए हमने इतना कुछ किया है इसके लिए। तो लेकिन अगर आपके पास ऐसा होता है, नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, ऐसा ब्लीडिंग उन्होंने एक अच्छा ये बताया कि अगर जो पीछे ब्लीडिंग होती है उसका अगर कुछ मिनट के बाद, 1-2 मिनट के बाद अगर थक्का नहीं जमता है तो वो नॉर्मल है, अगर वो थक्का जमता है तो इंटरनल ब्लीडिंग है, ऐसा कुछ दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है, होने की शंका होती है। तो आप अब भी अवेयर रहिए इसके बारे में, मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ। अगर कुछ भी होता है डॉग को तो इसे थोड़ा सा अपने आप में सीरियस लीजिए ओनर होने के नाते। और ये भी है कि वहाँ फंगल इन्फेक्शन का ज़्यादा खुजली भी नहीं होती, अगर खुजली होती तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है, सिर्फ बाल झड़ गया है, इसका इलाज चल रहा है। आई होप कि रॉक्सी जल्दी ही रिकवर हो जाएगी, यहाँ भी बाल आ जाएंगे उसको, वहाँ भी बाल आ जाएंगे, इसकी कोट की शाइनिंग फिर से वापस आ जाएगी। थैंक यू गाइज, यही सिर्फ बताना चाहता था आपको। थैंक यू।